हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं जब हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं इस पूरे प्रोसेस में दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में तो क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या इसके की एस्पेक्ट्स हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे यू नो विलेजेस होते हैं जहाँ पे कोई भी विलेज सपोज़ uh, कोई फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है लेकिन वहीं पे बहुत सारी कम्युनिटीज भी बसी हुई हैं ठीक है थीके? बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइवलीहुड जिनका डायरेक्ट काम पड़ता है फॉरेस्ट में तो जब आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चाहे वाटर हो चाहे फॉरेस्ट हो तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ज़्यादा प्रमोट होता है क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा यानी जितना चाहिए उतना एक्सेस सबको मिलेगा एंड हमारा इको जो है ना उसके लिए भी अच्छा रहता है तो अब हम रीज़न देखेंगे और ऑब्वियसली स्टडी करेंगे कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतना यूजफुल होता है सबसे पहली चीज़ है लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ जो लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे रहती है ना फॉरेस्ट में उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ होती है ठीक है किसके बारे में उनके लोकल इकोसिस्टम के बारे में क्योंकि वो वहीं रहते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होता है ये ट्री है ये वाला एनिमल है ये प्लांट है कुछ होता है तो ये लगाना है सो दे हैव दिस लोकल नॉलेज एंड अगर हम उनको रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करते हैं तो वो अपनी इस नॉलेज को हमारा जो यू नो सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि हम बचाना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं तो उसमें वो और अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी लोकल नॉलेज के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड इट हेल्प अस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तो लोकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ सपोज़ आप कोई फॉरेस्ट एक्सपर्ट है कोई प्लांट एक्सपर्ट है उनके साथ उनकी लोकल नॉलेज मिलकर और अच्छे से सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर पाते ठीक है और ये एक्चुअली होता है इसके लिए फ़ॉरेस्ट जे एफ एम करके यू you नो know, बहुत फेमस हुआ था और अभी भी कई जगह होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसमें कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट दोनों लोकल मिलके काम करते हैं ठीक है और लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट क्योंकि साथ में काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम होता है वो आगे वाले पॉइंट्स में पड़ेंगे एम्पावरमेंट एंड ओनरशिप देखो अगर आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हो अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो जो वहाँ के लोकल हैं जिनका लाइवलीहुड है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की ना ओनरशिप लेते हैं मैंने आपको कल ही किसी एक वीडियो में बताया था कि जो ट्राइबल लोग तक होते हैं इनफैक्ट वो लोग क्या करते हैं ना वो ट्राइबल लोगों के साथ ये होता है कि वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना उसको वर्शिप करते हैं अपना खुद मानते हैं तो वो और अच्छे से उसको यू नो यूज़ कर पाते हैं सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एम्पावर करती है लोकल कम्युनिटीज़ को कि वो ओनरशिप ले अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कैसे वो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं एंड कम्युनिटी एक सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी गेन करती है ठीक है कम्युनिटी गेंस अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम ही हैंडल कर रहे हैं हम लोगों को देखना है हम लोगों को किसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को यू नो प्रिवेंट करना है बचाना है तो वो और ज़्यादा अच्छे से एंगेज करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स में मतलब अगर आप किसी लोकल पर्सन को बोलोगे जिसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट नहीं है जो कम्युनिटी वहाँ पे रिलेटेड नहीं है तो हो सकता है वो इतना ध्यान ना दे बट उनको पता है कि उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है उनको इतने रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो और एक्टिवली वर्क करते हैं फिर है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है क्या प्रमोट करता है कि हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको सस्टेनेबली और अच्छे से यूज कर सकें कैसे बाई इन्वॉल्विंग लोकल कम्यूनिटी इन मैनेजमेंट डिसीजन जो आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं अगर आप उसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हो तो वो और अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या रिसोर्स कितना बचा हुआ है लोकल नीड्स कितनी हैं और हमारा अगर हम यू you नो know, अगर कम्युनिटी भी उस पर डिपेंडेंट है हम इतना प्लांट्स उगाते हैं तो क्या होगा तो वो इकोलॉजिकल डायनामिक्स को और अच्छे से समझ पाते हैं एंड जिसकी वजह से रिसोर्स का यू नो जिससे कहना चाहिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूज होता है सो सस्टेनेबल रिसोर्स मीन्स बेसिकली इट इज़ द यू नो वे टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगी क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं उसी एरिया में उसी पे उनका काम यू नो डिपेंडेंट है देन कम स्टेक होल्डर कोलेबरेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या करता है ना फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप अमंग वेरियस स्टेक होल्डर ये कई सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को प्रमोट करता है कैसे इसमें कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एन लोकल बिजनेस सब मिल काम करते हैं और ये जो कोलैबोरेशन होते हैं ना ये नेचुरल रिसोर्सेज की इफेक्टिवनेस को अच्छा कर देते हैं सच कोलाबरे एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्योंकि देखो एक जने का व्यू आना इज डिफरेंट थिंग बट अगर सब लोग मिलकर काम करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट एनजीओ तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो सच कोलैबोरेशन एनहैंस द इफेक्टिवनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव वो रिसोर्सेज को समझ पाते हैं एक साथ देख पाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर पाते हैं और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि अच्छा गार्ड का काम अगर इसका है ये काम दूसरे का है दोबारा पेड़ काट के लगाना किसका काम है सीड्स कौन प्रोवाइड कराएगा तो एवरीथिंग बिकम्स यू नो कोलेब टिव एंड ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ी मतलब अच्छी चीज ये होती है कि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिलता यहाँ पे सबको बेनिफिट होता है कस्टमाइज अप्रोच देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये होता है कि आपको पता होता है कि जो कम्युनिटी है वो उनकी क्या uh, मतलब यू नो नीड है वैल्यू है एंड आपको पता होगा हर कम्युनिटी का अपना चीज़ों को करने का तरीका होता है तो उनकी अपनी अप्रोच होती है आप उन्हें बता देंगे कि फ़ॉरेस्ट है अगर आप रिसोसिस यूज़ कर रहे हो तो आपको इतने रिसोर्स वापस भी डालने हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि सीड्स को कैसे यूज़ करना है बाकी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में वो यूनिक नीड्स वैल्यू एंड कल्चरल प्रैक्टिस को समझते हैं लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं एंड वो इससे क्या होता है

ठीक है मतलब कि लोकल कम्युनिटीज कई सारी एक्टिविटीज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप गवर्नमेंट के कुछ लोग अगर जाएंगे वो अलग चीज़ होगी और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर जंगल में रिफॉरेस्टेशन पेड़ दोबारा उगाने चली गई तो कितना ज़्यादा अफेक्टिव होगा तो वो लोगों का कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन एफर्ट और ज़्यादा यू you नो know, जैसे कहना चाहिए और सॉलिड होता है लोकल कम्युनिटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जैसे कि रिफॉरेस्टेशन करना है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक करना है वाटर को कंजर्व करना है जो रेन वाटर है एंड अपना जो भी नॉलेज है उसके थ्रू हमें इकोसिस्टम और लैंडस्केप को और बेटर बनाना है तो उनकी लोकल नॉलेज प्लस उनके एफ़र्ट से और अच्छे से कंजर्वेशन रिस्टोरेशन एफर्ट हो पाते हैं अच्छा मैं आपको हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि जो भी कम्युनिटीज होती हैं ना या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ कई बार जो होती हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं उन लोगों का गोल ये नहीं होता कि सिर्फ हमें अपना फ़ायदा देखना है क्योंकि उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और इनफैक्ट कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सीधे वर्शिप करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को तो उनके लिए ना ये अपने आप में एक यू नो बचपन से ये चीज़ है कि हमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड करना है मतलब हम अगर कोई भी काम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हमारे लिए ये फॉरेस्ट ये वाटर रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इससे क्या होता है डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का एंड जब आप लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो वहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो उनकी जो नीड है या जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है लाइवलीहुड के लिए उसके साथ आप डेवलपमेंट को भी अलाइन कर सकते हो सो so, ये जो इनिशिएटिव्स हैं डिसीजंस ये भी हम उनकी लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कोई भी चीज आप डेवलप कर रहे हो आप फिशरीज बना रहे हो आप उनको उनको बता सकते हो कि हम फिशरीज बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम पानी में मछली और छोड़ना चाह रहे हैं तो वो उस चीज को और अच्छे से हेल्प करेंगे आप समझ रहे हैं उनके लिए भी लाइवलीहुड जनरेट हो रहा है और ओवरऑल नेचर भी प्रोटेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट वाटर जो भी चीजें हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ना जहाँ का लोकल गवर्नेंस सिस्टम होता है जो इन चीज़ों को देख रहा है हैंडल कर रहा है वो और स्ट्रॉन्ग होता है एंड उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो भी और स्ट्रांग होता है इसमें क्या होता है ना कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड इंश्योर करती हैं कि जो भी डिसीजनस हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं सबको साथ में लेके रखा गया ध्यान मतलब सबको साथ में लेके इस चीज़ को ध्यान रखा गया है को लिया गया एंड लोकल नीड्स एंड एस्पिरेशन्स का भी ध्यान रखा गया तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब खुद है किसी भी डिसीजन में जो कि उस फॉरेस्ट या वाटर सोर्स से रिलेटेड है तो वहां पे और स्ट्रांग होता है आपका जो गवर्नेंस है क्योंकि लोग पता है कि हमारे साथ कम्युनिटी वाले लोग हैं तो हमें सब कुछ उन्हें भी बताना है तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट उनको साथ में अगर आप लेके चलेंगे तो उनको भी फील होगा कि हाँ हम लोगों को साथ में लेके चले हैं और लोकल नीड और एस्पिरेशन्स का ध्यान रखते हुए आप डिसीजंस लेते हो ठीक है एंड जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उससे होता है ना उससे और ज्यादा अवेयरनेस फैलती है अबाउट द सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने स्किल्स पास ऑन करती हैं अपने ही बच्चों को बताती हैं कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो लोगों को नए लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये तरीके हैं कंजर्व करने के ये सेकंड तरीका है जिससे हम रिसोर्सिस को यूज़ भी कर सकते हैं और यू नो समाव हम उसको यूज़ करने के साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल उनको खुद पता चलता है तो कम्यूनिटीज़ को पार्टी यू नो आप साथ में लेके चलोगे तो ये फ़ायदा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट्स और dispute, जो होते हैं क्योंकि मोस्टली यही होता है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जो वहां पे लोकल लोग रह रहे हैं उनमें कई बार लड़ाइयां हो जाती हैं बिकॉज लोकल लोग वहाँ कब से रह रहे हैं गवर्नमेंट आके एकदम उन्हें मना कर दे कि नहीं जा सकते जंगलों में तो कितना गलत होगा तो जब आप उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हो आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हो तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आप उसको आराम से एड्रेस कर सकते हो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है ये बात में कहीं कोई एक जना किसी की नहीं मानेगा तो ये चीजें एड्रेस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं इजिली ठीक है सो दैट इज योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सो दिस टॉपिक वॉज अबाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एजुकेशनल सॉरी इन्वॉर्मेंटल एजुकेशन का टॉपिक है ये बी एड का अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा एंड प्लेट में आपको बहुत सारी और यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगी एंड अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी है एग्जाम टाइम में आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज़ बाई मी अ बुक वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाई मी अब बुक यू कैन पे एनी अमाउंट यू वॉन्ट टू एंड अगर कोई डाउट है कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आई ट्राई टू हेल्प योर थैंक यू सो मच हैवन आई से एल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो